चलिए हेडलाइंस के बाद आपको दिखाते हैं खबरें और बुलेटिन की शुरुआत क्रिकेट की बेहद शानदार खबर के साथ करते हैं। जी हां, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का खूबसूरत सफर जारी है। भारतीय टीम लगातार चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। जी हां, सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देकर लगातार चौथी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गई है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 96 रन के बड़े अंतर से हराकर इस बार वर्ल्ड कप में अजय रहने का सिलसिला बरकरार रखा है। टीम इंडिया अब अपना पांचवा खिताब जीतने से महज एक कदम दूर है। सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। महज 37 रन के स्कोर पर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान यश ढल और उप कप्तान राशिद शेख ने मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 204 रनों की साझेदारी हुई। कप्तान यश ढल ने शानदार शतक जड़ा। यश ढल ने 110 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और एक छक्के की मदद से 110 रन बनाए। वहीं उप कप्तान शेख रशीद महज 6 रन से शतक से चूक गए। रशीद ने अपनी 94 रनों की पारी में 8 चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान ढल और उप कप्तान राशिद की शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए। 291 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखर गई और 41.5 ओवर में महज 194 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से विक्की ओस्ताल ने 3 विकेट लिए। रवि कुमार और निशांत सिंधु को 2-2 विकेट मिले। भारतीय टीम अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताब के लिए 5 फरवरी को इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी। इंग्लैंड की टीम जहां 1998 के बाद पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, वही टीम इंडिया पांचवी बार ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेगी। भारत ने इससे पहले 4 बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने साल 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में, 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में, 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में और 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। कप्तान यश ढल और उनकी टीम की पूरी कोशिश होगी कि वो इंग्लैंड के साथ 5 फरवरी को होने वाले फाइनल को जीतकर भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।